के साथ करीब 65 मंत्री शपथ लेंगे। मोदी 3.0 सरकार में 8 मंत्री यूपी से होंगे। यूपी से 8 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह, जिसमें प्रमुख नाम आपको बता दें राजनाथ सिंह, हालांकि दोनों सरकारों में वो मंत्री रहे, पहले गृह, इसके बाद रक्षा। जितिन प्रसाद जो कि यूपी सरकार में मंत्री, उन्हें टिकट दिया गया, चुनाव उन्होंने जीता और अब वो लोकसभा के सदस्य, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। पंकज चौधरी जो कि मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अनुप्रिया पटेल, सहयोगी दल जयंत चौधरी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बीएल वर्मा मंत्री बनेंगे। कमलेश पासवान और एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा से बीजेपी सांसद, उन्हें एक बार फिर जगह दी जा सकती। वहीं उत्तराखंड से अजय टमटा के नाम की भी चर्चा। सैयद आमिर और अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी। सैयद आमिर, जाहिर तौर पर जिस तरीके से संभावित नाम जो सामने आया है, उसमें अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष में बात करें तो कई ऐसे चेहरे जो कि पहले भी मोदी मंत्रिमंडल में रहे, उनमें प्रमुख नाम राजनाथ सिंह और इसके अलावा पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल की भी बात कर लेते हैं, साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल, ये प्रमुख नाम पहले भी रहे और इस बार भी इन्हें जगह दी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश से निराशा, लेकिन मंत्रिमंडल में, मोदी के मंत्रिमंडल में यूं कहे कि एनडीए की तरफ से निराशा नहीं यूपी वालों को। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश को खास पोर्टफोलियो मिलेंगे, ये हमेशा से रहा है। राजनाथ सिंह हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो उनके सहयोगी दलों में अपना दल के सहयोगी हो, कुल मिलाकर के जो तस्वीर अब सामने आ रही है मोदी मंत्रिमंडल 3.0 की, उसमें करीब 12 मंत्री ऐसे हैं जो उनके सहयोगी दल के हो सकते हैं। लेकिन एक खास चीज मैं आपको बताऊं कि 7:15 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, उसके बाद ये तस्वीर सामने हो पाएगी, क्योंकि आपने मंत्रिपरिषद के लोग जो है, जो आपने देखे हैं तमाम जो चेहरे हैं, वो सामने जिस तरह से बैठाए गए हैं, उसी तरीके से पोर्टफोलियो में उनको जगह मिल सकती है। खास तौर पे राजनाथ सिंह हुए, चूंकि आपको पता है रक्षा हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, इसके अलावा कृषि मंत्रालय हो गया। मुमकिन है कि ये पांचों जो मंत्रालय है वो बीजेपी अपने पास रखे, लेकिन सबसे बड़ी निगाह जो है, जिसपे सबसे ज्यादा इस समय काम हो रहा है, वो हो रहा है ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम काफी ज्यादा हो रहा है, और साथ में रेल मंत्रालय, क्योंकि बुलेट ट्रेन का सपना भी हिंदुस्तान का पूरा होना है 2026 तक। इसलिए माना यह जा रहा है कि इसमें जो है थोड़ा सा फेरबदल होने की उम्मीद है, लेकिन यह साफ तौर पर दर्शाया गया। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, बिहार से जुड़े हुए हैं, उनको भेज दीजिए। कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे जो ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि बिहार को और उत्तर प्रदेश को खासतौर पे क्या मिलने जा रहा है। थोड़ा पास आइए सर, क्या आपको अटकलें हैं खासतौर पे मंत्री परिषद में किसको जगह मिलने की उम्मीद पता चल रही है? बिहार से गिरिराज सिंह जी आ रहे हैं, नित्यानंद राय जी आ रहे हैं, जदयू के कुछ मंत्री आ रहे हैं, और चिराग जी आ रहे हैं, हमसे अपने मांझी जी आ रहे हैं, तो और सब लिस्ट जो है अभी फाइनल हो रहा होगा, जो हमने देखा है टीवी से वही। अब हम भी ललन सिंह साहब को क्या बड़ा पद मिल सकता है, क्या मुमकिन है रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कुछ ऐसा अटकलें चल रही हैं? अभी तक क्लियर नहीं है, अब वहाँ पे जब ले लेंगे शपथ ग्रहण, उसके बाद कुछ पता चलेगा कि क्या उनको मिलने जा रहा है। ये राम मोहन नायडू जो है वो भी इस लिस्ट में शामिल है। और सर क्या कितने बजे तक ये फाइनल हो पाएगा, क्या शाम तक या 7:15 बजे के बाद कितने बजे तक ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा कार्यक्रम? देखिए 7:15 बजे तक तो ये है शपथ ग्रहण समारोह है। अब एक बार मोदी जी शपथ ले लेंगे, उसके बाद फिर कैबिनेट के लोगों को मिलेगा, और फिर बाद में पता होगा चलेगा कि कैसे किनको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। अच्छा, तो रेल मंत्रालय कहाँ जा सकता है अभी ये देखते हैं, बाद में आपको पता चलेगा, अभी पता चलेगा बाद। देखिए जेडीयू को जो है रेल मंत्रालय जो है मिल सकता है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ के, सुखबुगाहट है इससे, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म नहीं। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फैसले होते हैं एकदम चौंकाने वाले होते हैं जी, किसी को भी नहीं पता होता है कि किसको क्या मिलने जा रहा है। ये सब अटकलें हैं, जब तक फाइनल लिस्ट सामने नहीं आती है तब तक ये कह पाना, ये सिर्फ कयास भर हो सकता है कि किसको क्या मिल सकता है, क्योंकि रेल मंत्रालय जो है
ऐसा मंत्रालय है जो ये माना जाता है कि जब भी कोएलिशन की सरकार बनी है वो ज्यादातर जो तमाम ऐसे सहयोगी दल है उन्हीं के पास गई, और बिहार से तो रेल मंत्रालय का बहुत बड़ा नाता है, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। तो कुल मिलाकर के ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह हो सकता है, लेकिन फाइनल लिस्ट जो है वो 7:15 के बाद तस्वीरें क्लियर होने लगेंगी। हमारे पास जो लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या किसके पास क्या मंत्रालय मिल सकता है। के राम मोहन नायडू जो टीडीपी में है उनको अहम जगह मिल सकती है, चंद्रशेखर पेमा सानी को टीडीपी में उनको जगह मिल सकती है, ललन सिंह जेडीयू में उनको जगह मिलेगी, रामनाथ ठाकुर जेडीयू में उनको जगह मिलेगी, जयंत चौधरी आरएलडी में उनको जगह मिलेगी, चिराग पासवान एक मंत्रालय उनको जगह मिलेगी, प्रताप राव जाधव शिवसेना उनको जगह मिलेगी जो दूसरे खेमे के हैं, जीतनराम मांझी उनको जगह मिलेगी, चंद्र प्रकाश चौधरी, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, एस डी कुमारस्वामी, तो तमाम ऐसे नाम है जिनकी चर्चा चल रही है। लेकिन अभी जो है ये क्लियर कह पाना कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है, क्योंकि देखिए आपको बताया रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव देख रहे थे, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो वित्त मंत्रालय है वो कहीं ना कहीं किसी अहम रोल में आ सकता है, या हो सकता है अश्विनी वैष्णव के पास चला जाए और रेल मंत्रालय जो है वो जेडीयू के पास जाए। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर फाइनल लिस्ट क्या होगी वो कुछ ही देर बाद ही पता चल पाए। हालांकि जब शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू होगा तो ये भी देखना अहम होगा कि कौन कौन कैबिनेट मंत्री किसे एमओएस का प्रभार मिला और कौन राज्य मंत्री। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अमित, जो संभावित नाम उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जो कि दोनों टर्म में मोदी के साथ मोदी की टीम में रहे और तीसरी बार भी जा रहे हैं, जितिन प्रसाद, ये एक पहला नाम कह सकते हैं। यूपीए के सरकार में वो मंत्री थे पहले, जिस तरीके से कांग्रेस में रहे बीजेपी में आए, हालांकि प्रदेश और सरकार में भी वो मंत्री। पंकज चौधरी वो मंत्री रहे, अनुप्रिया पटेल सहयोगी वो भी मंत्री, जयंत चौधरी एक ये भी नाम जो कि पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, बीएल वर्मा की बात करें, कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल भी मंत्री रहे। जाहिर तौर पर अगर हम बात करें जितिन प्रसाद की और इसके साथ ही साथ जयंत चौधरी की, तो कितना अहम हो जाता है। देखिए, जतिन प्रसाद की बात की जाए तो वरुण गांधी की सीट पर पीलीभीत से उनको टिकट दिया गया था और वहाँ से बड़ी जीत दर्ज की। जो मंत्री जो मंत्रालय बांटे जा रहे हैं इस बार, उसमें जातिगत आंकड़े भी कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति को साधने का भी असर देखा जा रहा है राहुल, और क्योंकि जतिन प्रसाद पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद में बीजेपी में आए और दूसरी बार अब यहाँ चुनाव जीते हैं, पीलीभीत से वरुण गांधी की सीट से चुनाव जीते हैं, ऐसे में उस पूरे इलाके को साधना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ज़रूरी था, तो जतिन प्रसाद की भूमिका बेहद रह सकती है, इस तरीके का अनुमान है। और उत्तर प्रदेश के 2019 की सरकार की बात करें तो 13 के आसपास जो मंत्री थे वो बनाए गए थे, हालांकि कई मंत्री अब हारे, एसपी सिंह बघेल को दोबारा से मंत्रिमंडल में लिया गया, अनुप्रिया पटेल को लिया गया है। नए अगर चेहरे की बात की जाए के तौर पर जयंत चौधरी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एनडीए के गठबंधन में आए थे और 2 सीट उनकी पार्टी जीत कर आई, 2 ही सीट पर जयंत चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, उनको मंत्रालय कौन सा दिया जाएगा ये बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद से ही इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि जयंत चौधरी की अहम भूमिका हो सकती है। हो सकता है आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो मंत्री और ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आए, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है और केंद्र की राजनीति यूपी से होकर गुजरती है, लिहाजा उसको साधना बेहद जरूरी है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को खासा नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा, तो आने वाले समय में इस तरीके की तस्वीर ना बने तो उत्तर प्रदेश के ऊपर विशेष जो है वो फोकस रहेगा, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जिस तरीके से कई एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं इन परियोजनाओं पर भी फोकस रहेगा, और विदेशी निवेश लाने की भी बात प्रधानमंत्री एनडीए की बैठक में जब उनको संसदीय दल का नेता सुना गया था तो विदेशी निवेश लाने की भी बात कर रहे थे, अगले 100 दिनों का किस तरीके से एजेंडा सेट करेंगे। अमित, आप बने रहिए, ये नेताओं का बयान क्या कुछ आया है शपथ ग्रहण को लेकर और मंत्रिमंडल को लेकर, यह भी दर्शकों को सुनवाना जरूरी है। मोदी जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। अभी प्रधानमंत्री के साथ आप लोग मिले थे बैठक में, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या दिशा निर्देश दिए गए प्रधानमंत्री की तरफ से? बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है, उसके लिए 100 दिन, 365 दिन, 30 दिन काम करना। राष्ट्रपति कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपनी
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। कितने एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, बाकी की जानकारियाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग आते। प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूँ कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ और बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने बड़ी बात कही है, सुनिए। पहले से ही कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी इतिहास रचेंगे और उन्हें इतिहास रच दिया है। मुझे लगता है कि जब हम एक बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं तो ही हम सफलता पाते हैं और निश्चित रूप से हम लोगों ने एक बड़ा लक्ष्य लेके चला था तभी ये सफलता हाथ लगी है। देश एक स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सशक्त तरीके से देश चलाया है। हालांकि सहयोगी दलों से लेकर बॉलीवुड के कलाकारों ने बधाई दी है मोदी को। जाहिर तौर पर तीसरी बार वो मंत्रिमंडल जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा संभावित नाम लगातार न्यूज स्टेट बता रहा है। हमारे साथ अमित चौधरी सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, हालांकि आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, जिस तरीके से 100 दिन का एजेंडा भी सेट किया गया है, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का चेहरा हम देखेंगे, कैबिनेट मंत्री कौन, MOS किसके पास, राज्य मंत्री कौन, किस तरीके से सब एकदम फिट बैठेगा ये मोदी मंत्रिमंडल, ये भी देखना बेहद अहम है। शाम 7:15 बजे के बाद पिक्चर क्लियर, जो अभी हम संभावित नाम चला रहे थे उसमें से कई नामों पर मुहर लग जाएगी। बिल्कुल, देखिए राहुल, अब 3 घंटे के आसपास का वक्त बचा है शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम शुरू होने में और एक के बाद एक तस्वीर जो है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि जो सोर्स हैं वो इस बात की पुष्टि जरूर कर रहे हैं कि जिन भी नेताओं को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया था उनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी और उसी आधार पर ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो जितने चेहरे दिखाई दिए चाय पर चर्चा में उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है और 11 ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में जानकारी मिली है जो पहली 2014 की सरकार में भी मोदी कैबिनेट में रहे, 2019 की सरकार में भी रहे और अब तीसरे टर्म में भी वो शामिल रहेंगे और बड़े मंत्रालय उनके पास रहेंगे। जो बड़े नेता हैं उनके मंत्रालयों में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ बहुमत से कम आंकड़े पर बीजेपी इस बार 2024 के चुनाव में रही, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रही थी, तो हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, खासतौर पर महाराष्ट्र को, ऐसे स्टेट जहाँ आने वाले दिनों में चुनाव होने, बिहार भी उसमें से एक है, उन स्टेट को साधना और वहाँ मंत्रिमंडल का सही से गठन करना ताकि जो लोगों में नाराजगी थी उस नाराजगी को दूर किया जा सके, उस आधार पर यह मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। NDA के सभी दलों को, जो सहयोगी दल है, उनको साधने की इसमें कोशिश की जा रही है। पिछली बार मोदी सरकार थी और जो पूरा बहुमत था वो बीजेपी पार्टी को मिला था, लिहाजा जो मंत्रिमंडल था वो मंत्रिमंडल के बंटवारे में इस तरीके की चीजें सामने। ठीक है अमित, उत्तराखंड से कौन चेहरा, हालांकि हम एक नाम चला रहे हैं और ऐसे में अजीत सिंह राठी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए पहले हरिद्वार के सांसद को प्रतिनिधित्व मिला, फिर इसके बाद नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद को प्रतिनिधित्व मिला था इससे पहले मोदी की टीम में। अब ये खबर है कि अल्मोड़ा से सांसद, उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी, आपके पास क्या खबर है?
देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो स्रोत हैं, जो सूत्र हैं, उनसे जानकारी मिल रही है कि अजय टम्टा जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट से तीसरी बार एमपी बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और लोगों का दावा है कि उनको फ़ोन भी आ चुका है और भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं, उनको बधाइयों का सिलसिला भी जारी है, बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। और टम्टा की कहानी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए तो 5 सीटें जीती भाजपा, तो अल्मोड़ा से अजय टम्टा उस समय चुनाव जीते थे। एक साल तक किसी को मंत्री नहीं बनाया, मोदी जी की पहली सरकार थी। तकरीबन 1.5 साल बाद यहाँ से भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो यहाँ से अजय टम्टा को शामिल कर लिया गया। आप सोचिए कि उस समय जो नाम थे, जो सांसद चुनकर आए थे, 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे, बीसी खंडूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक। उन 3 बड़े दिग्गजों को कोई मौका नहीं मिला। और अजय टम्टा जो पहली बार आए थे जीत कर, और उससे पहले बस स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे थे, तो उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। तीनों बड़े नेता बिल्कुल एकदम खेत रहे और किनारे पर रह गए जी। इसके बाद उनको 2019 तक कंटिन्यू किया गया। उसके बाद फिर जब 2019 में सरकार बनी तो निशंक को मौका मिला, वो एचआरडी मिनिस्टर बनाए गए। लेकिन निशंक को बीच में ही कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी गतिविधियां हुई कि निशंक को एचआरडी मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। अब 2024 में फिर वही 2014 वाली कहानी दोहराई जा रही है। अभी इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर जीत कर आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीटिंग जो अभी जो निवर्तमान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री थे अजय भट्ट, जो नैनीताल से रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रिकॉर्ड मतों से यहाँ से हरिद्वार से जीते हैं, 10 साल से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं दिल्ली में, 6 साल से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं अनिल बलूनी, वो पौड़ी से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, 4थी बार टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी साथ जीती हैं। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज थे, फिर भी अजय टम्टा को निकाल कर फिर लाया गया। अजय टम्टा का नाम फिर उनको फिर शपथ के लिए उनके फ़ोन की घंटी बजी 2016 के बाद, तो अब फिर उनको मंत्री बनाया जा रहा है। और पूरे दिग्गज एकदम जिस तरह से 2014 की गवर्नमेंट में मोदी जी का माहौल था यहाँ से मंत्री पद देने का, वही सेम वही तारीख ऐसा लगता है कि अपने आप को दोहरा रही है। और बड़े बड़े ठीक है अजीत, आप बने रहिए, अमित आप भी बने रहिए, आगे भी बातचीत करेंगे और जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक।